Hello viewers, welcome to my channel. In this video we will discuss refraction by spherical lens. Lenses kya hote hain? Aapne bachpan mein dekha hoga, plastic ka ek tukda lete the aap. Abhi main usko tukda naam de raha hu. To usme kya karte the aap, jo sun ki light aati thi uski taraf rakhte the usko, niche uske page rakhte the, to usse kya hota tha, page jal jata tha. Ya fir aapne dekha hoga jo geometry box kharid kar late the, to usme ek aisa ek wo nikalta tha hamara. Theek hai? जिससे आप जो देखते थे नीचे जो वर्ड लिखे होते हैं उसके थ्रू देखते थे तो बड़े दिखाई देते थे, वो सभी क्या थे? वो थे हमारे लेंसेज. तो आपने कभी उनको टच करके देखा होता तो वो क्या थे? उनकी कुछ मोटाई थी, या तो बीच में से मोटे होंगे या फिर बीच में से पतले होंगे. तो लेंसेज क्या होते हैं? सिंपली एक हम दो ट्रांसपेरेंट सरफेस लें ऐसे करके, या फिर कोई भी दो ट्रांसपेरेंट सरफेस लें हम, और उसमें बीच में क्या फिल कर दें, मटेरियल फिल कर दें ट्रांसपेरेंट. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमने ये दो लिए, दोनों कैसी सरफेस है हमारी, स्पेरिकल सरफेस है, और उसमें हमने क्या कर दिया, ग्लास को फिल कर दिया. तो ये क्या बन गया, एक हमारा लेंस बन गया. अब इसकी कोई एक सरफेस स्पेरिकल होनी चाहिए तो वो क्या हो जाएंगे हमारे, स्पेरिकल लेंस. ये ऐसे होता तब भी स्पेरिकल लेंस है, ठीक है, अगर ऐसे है तब भी एक स्पेरिकल लेंस है, अगर ऐसे है तब भी एक स्पेरिकल लेंस है. यानी कि कोई एक सरफेस उसकी क्या होनी चाहिए, कर्व्ड होनी चाहिए. तो लेंस क्या होते हैं, ए ट्रांसपेरेंट मेटेरियल bounded by two surfaces and which one or both surfaces are spherical. क्या होता है, मैंने अब जैसे आप अगर उसको लें, गिलास होता है कांच का, उसमें हमने पानी फिल कर दिया, तो एक क्या करता है, लेंस की तरह वर्क करने लगता है हमारे, लेंस की तरह. क्यों? क्योंकि क्या है ये, बीच में हमने क्या कर दिया, ट्रांसपेरेंट मेटेरियल भर दिया. ट्रांसपेरेंट मेटेरियल क्या भर दिया हमने, वाटर भर दिया. तो लेंस क्या है कि कोई भी एक बाउंडेड ट्रांसपेरेंट मेटेरियल, बाउंडेड बाई दिस सरफेसेस, और जिसकी एक सरफेस क्या हो, कर्व हो, ऐसे कर कर्व हो, तो उसे क्या कहते हैं हम, स्पेरिकल लेंस कहते हैं. ठीक है, अब स्पेरिकल लेंस होते हैं हमारे टू टाइप्स के स्पेरिकल लेंस. जैसे हमारे कौन स्पेरिकल मिरर थे दो टाइप के, ऐसे स्पेरिकल लेंसेज भी होते हैं हमारे टू टाइप्स के. एक टाइप क्या होता है हमारा, कॉन्वेक्स लेंस, एंड दूसरा होता है हमारा कॉनकेव लेंस. ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस कौन से लेंस होते हैं, जिनकी जो बोथ सरफेसेस होती हैं वो आउटर की होती हैं इस तरह से. ये क्या हो गया हमारा, कॉन्वेक्स लेंस हो गया. कॉनकेव लेंस क्या होता है, जिसकी दोनों सरफेस जो होती हैं, दोनों साइड ट्रांसपेरेंट सरफेस, वो अंदर की तरफ उनमें कर्व होता है. तो ये क्या होते हैं हमारे, कॉनकेव मिरर होते हैं. कॉन्वेक्स मिरर जो होते हैं ये वाले मिरर, इनको हम कहते हैं कन्वर्जिंग लेंस. कन्वर्जिंग लेंस क्यों कहते हैं, क्योंकि अगर हम इस पर पैरेलल लाइट डालें जो इन्फिनिटी से आ रही है, तो वो क्या करते हैं, इन सभी रे को आपस में क्या करते हैं, कन्वर्ज कर देते हैं किसी एक पॉइंट पर. क्योंकि कन्वर्ज कर रहे हैं लाइट को, लाइट ऐसे आ रही है उनको ऐसे मिला दे रहे हैं, इसलिए उनको क्या कहते हैं हम, कन्वर्जिंग लेंस. और जो हमारे कॉनकेव लेंस हैं उनको कहते हैं हम डाइवर्जिंग लेंस. इनको डाइवर्जिंग लेंस क्यों कहते हैं, इस पर भी क्या है, अगर जब पैरेलल रे आके इस पे आती हैं और इससे पास होती हैं, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या होता है, रे को क्या करते हैं, डाइवर्ज कर देता है, पास से क्या कर देता है, डाइवर्ट कर देता है. ठीक है, क्योंकि डाइवर्ट कर रहा है, रे कैसी आ रही है, ऐसे रे आ रही है और क्या हो गई, ऐसे करके फैल गई एक दूसरे तक, क्योंकि डाइवर्ट करता है, इसलिए इसको कहते हैं डाइवर्जिंग लेंस. अब देखते हैं हम कुछ टर्म. ये हमारा लेंस है, ठीक है, ये हमने कॉन्वेक्स लेंस ले लिया. ठीक है, इसका जो सेंटर पॉइंट होगा ये, इसको कहते हैं हम ऑप्टिकल सेंटर. क्या कहते हैं इसको, ऑप्टिकल सेंटर. और इसकी ये जो डिस्टेंस होती है यहां से यहां तक की, किसी भी लेंस की, इसमें भी ये जो डिस्टेंस होगी, इसको कहते हैं हम अपर्चर. क्या कहते हैं, अपर्चर कहते हैं. ठीक है, इसमें भी ये जो हमारा सेंटर पॉइंट होगा, इसमें भी ये, इसको भी क्या कहेंगे हम, ऑप्टिकल सेंटर. ठीक है, अब देखिए ये क्या है, एक ऐसी सरफेस होगी और एक दूसरा स्फीयर ऐसे होगा. ठीक है, इस स्फीयर का हमने ये वाला पार्ट ले लिया, दूसरे स्फीयर का हमने ये वाला पार्ट ले लिया, जब ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस बना है. ठीक है, यानी कि इस वाले सरफेस के लिए यहां पर कोई सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा इस वाले स्फीयर की वजह से, इस वाले पार्ट के लिए यहां पर सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा इस वाले स्फीयर का जो सेंटर होगा. तो यानी कि जो स्फेरिकल मिरर होते हैं उनमें क्या होते हैं, टू सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं. और सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है,
ये वाला सरफेस जिस भी स्पेयर का पार्ट है उसका जो सेंटर होगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऐसे ये वाला सेंटर जिस भी स्पेयर का सेंटर होगा इस वाले पार्ट के लिए वो क्या होगा हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो यानी कि इसमें दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं, इसको कह देते हैं हम सी वन एंड सी टू, और ऑप्टिकल जो कर्व सेंटर जो होता है उसको हम दर्शाते हैं ओ से। ठीक है, अब इन ये जो हमारे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है दोनों, इनसे पास होकर जो लाइन जाती है उसको कहते हैं हम प्रिंसिपल एक्सिस। क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। और यहाँ ये कहाँ से जाती है? ऑप्टिकल सेंटर्स, क्योंकि ये क्या होता है हमारा एकदम सेंटर पॉइंट होता है। ठीक है, अब इसमें एक देखते हैं फोकस क्या होता है। अगर हम इसकी बात करें कॉनवेक्स मिरर, कॉनवेक्स अगर हम कॉन के अगर हम कॉनवेक्स लेंस की बात करें तो जो रे पैरेलल आती हैं आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या होती हैं, वो प्रिंसिपल एक्सिस पर किसी एक पॉइंट पर जाकर मिलती हैं। तो जिस एक पॉइंट पर जाकर मिलती हैं उसको कहते हैं हम फोकस। क्या कहते हैं? फोकस। और उसको डिनोट करते हैं हम एफ से, और इस ऑप्टिकल सेंटर से और एफ के बीच की जो दूरी होती है उसको कहते हैं हम फोकल लेंथ। ठीक है, और उसको डिनोट करते हैं हम स्मॉल एफ से। ठीक है, अगर हम इसके केस में देखें, कॉनकेव लेंस के केस में देखें, ये हमने कॉनकेव लेंस लिया, इसमें जो पैरेलल रे आती हैं ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, इसमें क्या होता है डाइवर्ज होती हैं, और डाइवर्ज होने के बाद कैसी दिखती हैं, किसी एक पॉइंट से क्या हो रही हैं डाइवर्ज हो रही हैं। तो जिस पॉइंट से हमें डाइवर्ज होती अपीयर होती हैं, जिस पॉइंट से हमें डाइवर्ज होती अपीयर होती हैं वो पॉइंट कहाँ है? प्रिंसिपल एक्सिस पर, उसको क्या कहते हैं हम? फोकस कहते हैं। और इस ये क्या इसको डिनोट करते हैं एफ से, और इससे और इसके जो ऑप्टिकल सेंटर की दूरी होती है वो होती है हमारी फोकल लेंथ। अब देखिए, हमने इधर से रे डाली तो हमारा ये फोकस बन गया, अगर हम इधर से पैरेलल रे डाल देते इस पर तो ये एस करके यहाँ पर ऐसे हो जाती, तब हमें इधर साइड से दिखाई देती हमें कि जैसे इस पॉइंट से डाइवर्ट हो रही है, यानी कि इधर भी फोकस होगा। यानी कि लेंसेज में क्या होते हैं, टू प्रिंसिपल फोकस होते हैं, एक इधर हो गया एक इधर हो गया, एक को हम कहते हैं एफ वन और एक को एफ टू। ऐसे इसमें क्या होता, अगर ये लाइट ऐसे आती इधर से, ये मान लो हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, अगर लाइट इधर से आ रही होती हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये इधर ऐसे मीट होती, ये था हमारा एक फोकस, अब इधर साइड फोकस हो गया, यानी कि जब अपोजिट साइड से हम लाइट डालेंगे तो भी वही सेम काम कर रहा है वो, और लाइट को क्या कर रहा है एक पॉइंट पर फोकस कर दे रहा है, तो ये क्या हो गया हमारा दूसरा फोकस। यानी कि इसमें दो फोकस होते हैं, जैसे कि यहाँ पर दो सेंटर ऑफ कर्वेचर थे, तो यहाँ पर हम क्या लिख देते हैं एफ वन और एफ टू। तो ये हमारे कुछ टर्म हो गए। अब देखते हैं कि रूल क्या है इमेज फॉर्मेशन के। ठीक है, पहला रूल, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस पे ऑप्टिकल सेंटर है, अगर कोई रे ऑप्टिकल सेंटर से पर आ रही है इस तरह से, ठीक है, तो विदाउट डाइवर्ज ऐसी सीधी चली जाएगी उसी स्ट्रेट लाइन में, कोई इसमें डाइवर्जेंस नहीं होगा। ठीक है, दूसरा रूल क्या है, कोई रे आ रही है अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, इसके पैरेलल आ रही है तो वो कहाँ से पास होगी, हमारी फोकस से पास होगी। ऐसे ही कॉनकेव लेंस की केस में देखें, इसी में भी अगर कोई रे ऑप्टिकल सेंटर पर आएगी हमारी तो विदाउट डाइवर्ज क्या क्या हो जाएगी, हमारी आगे चली जाएगी, उसमें कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगा, तो क्या होगी सीधी पास हो जाएगी स्ट्रेट लाइन में। अगर कोई रे पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के तो उसके क्या होगा डाइवर्ज होगा, और कैसी दिखेगी हमें, किसी एक पॉइंट से डाइवर्ट हुई है तो वो क्या हो जाएगा हमारा फोकस हो जाएगा, यानी फोकस से डाइवर्ट होती हमारी दिखाई देगी। तो अब देखते हैं हम इमेज फॉर्मेशन बाई कॉन्वेक्स लेंस। पहला केस देखते हैं हम, केस है वेन ऑब्जेक्ट है हमारा इन्फिनिटी पर। अब इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट है, हमको पता है जो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है वहां से इन्फिनिटी से रे कैसे आएंगे, ऑब्जेक्ट से टकराने के बाद पैरेलल आएंगी, तो हम यहाँ पर पैरेलल रे बना लेते हैं। ठीक है, अब हमको पता है जो पैरेलल रे होती है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो आती है वो कहाँ से पास होती है, फोकस से पास होती है। ठीक है, इसको हम क्या कर देते हैं, फोकस से पास कर देते हैं। तो यानी कि जो रे पैरेलल आ रही है, यानी ये ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पर है तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पर। नेचर क्या हो गया इमेज का, फोकस पर बनेगी इमेज। ठीक है, ये होगी हमारी पोजीशन इमेज की। इमेज कैसी है, बहुत ही स्मॉल है पॉइंट साइज, इसलिए इमेज कैसी है, हाईली डिमिनिश्ड। ठीक है, और कैसी है, क्योंकि रे हमारी एक्चुअल में मीट कर रही है, रियल में मीट कर रही है, इसलिए इमेज कैसी होगी हमारी, रियल इमेज होगी। और हमेशा ध्यान रखें, जब भी इमेज रियल होगी वो कैसी होगी हमारी इमेज, इरेक्ट, वो हमारी इमेज कैसी होगी, इन्वर्टेड।
जब भी हमारी रियल इमेज बनेगी वो हमेशा इन्वर्टेड होगी, और जब भी हमारी वर्चुअल इमेज बनेगी वो कैसी होगी, इरेक्ट होगी। अब दूसरा केस देखते हैं, दूसरा केस में क्या है, जो हमारा ऑब्जेक्ट 2f1 के बिहाइंड रखा, 2f1 से इधर साइड रखा, यहाँ पर f1 क्या है, ओ से यानी ऑप्टिकल सेंटर से f1 की दूरी f है, यानी यहाँ से यहाँ तक क्या है हमारा, ये f है, और ऑप्टिकल सेंटर से 2f1 की दूरी क्या है हमारी, ये हमारी 2f, ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट ए भी रखा है हमारा कहाँ पर, 2f1 के बियॉन्ड। अब यहाँ से क्या होगा, एक रे ले लेते हैं हम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये कहाँ से पास होगी आफ्टर रिफ्रैक्शन, फोकस से पास होगी, ठीक है, हमने फोकस से भेज दिया। अब हम दूसरी रे लेते हैं एक, जो कि कहाँ से पास हो रही है, यहाँ से ऑप्टिकल सेंटर से, और ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है तो कैसी हो जाती है, वो सीधी निकल जाती है विदाउट एनी डेविएशन, ठीक है, ये पास होगी तो यहाँ पर मीट कर रही हैं, और जहाँ पर भी दो रे मीट करती हैं वही वहाँ पर क्या बनती है इमेज, यानी ए पॉइंट, ये जो ए पॉइंट है इसकी इमेज यहाँ बनेगी, ऐसी बी की कहाँ बनेगी, जस्ट इसके नीचे प्रिंसिपल पर, तो यानी कि ऑब्जेक्ट की जो इमेज होगी ऐसे बनेगी, तो ये क्या हो जाएगा हमारा ए डैस, और ये हो जाएगा हमारा पी डैस। तो ऑब्जेक्ट की जो इमेज बन रही है वो कहाँ पर बन रही है, बिटवीन एफ टू एंड 2f2, ठीक है, और इमेज की हाइट देखें हम तो ये इतना बड़ा था हमारा, उसकी जो इमेज बन रही है वो क्या बन रही है, स्मॉल बन रही है, यानी कि छोटी है, इसलिए क्या कहेंगे हम, डिमिनिश्ड या फिर स्मॉल, ठीक है। अब इमेज कैसी है हमारी, उल्टी है, सीधी सी बात है, और यहाँ पर देखें रे क्या है, आपस में मीट कर रही हैं रियल में क्योंकि मिल रही हैं, इसलिए इमेज कैसी है हमारी, रियल इमेज है, और रियल इमेज मैंने अभी बताया जब भी रियल इमेज बनेगी तो इमेज कैसी होगी हमारी, इन्वर्टेड। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं जो इमेज हमारी उल्टी है, यानी कि इमेज कैसी होगी हमारी, इन्वर्टेड, ठीक है। नेक्स्ट केस देखते हैं हम, जब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो रखा है हमारा 2f1, ठीक है, ये हमारा ए बी एक ऑब्जेक्ट है, एक रे ले लेते हैं हम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये कहाँ से पास होगी, ये पास होगी हमारी फोकस से, ठीक है, हमने फोकस से पास कर दी। दूसरी ले लेते हैं हम ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी, जो हमको पता जब ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है तो कैसी जाती है, सीधी जाती है विदाउट एनी डाइवर्जेंस, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट कहाँ की इमेज जो बनेगी यहाँ बनेगी, ऐसी बी की इमेज कहाँ बनेगी, यहाँ पर बनेगी, ठीक है। आप इसको स्केल से बनाएंगे तो और भी अच्छा डायग्राम बनेगा, तो आप स्केल का यूज़ करें, और ये जो यहाँ पे डिस्टेंस है उसको बराबर ले, मान लो ये दो दो सेंटीमीटर ले लेना, दो सेंटीमीटर ये, दो सेंटीमीटर ये, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, 4 सेंटीमीटर, ऐसे इधर यहाँ से यहाँ से 4, तो जब आप स्केल से बनाएंगे एकदम बढ़िया इमेज बनेगी, मतलब बढ़िया डायग्राम बनेगा। तो यहाँ पर इमेज बनी, तो हम देख सकते हैं इमेज कहाँ पर बनी, अगर ऑब्जेक्ट 2f1 पर है तो इमेज कहाँ बनेगी हमारी, 2f2 पर, जैसे उसके केस में क्या था, मिरर के केस में जब सी पर होती थी हमारी इमेज, तो वो सॉरी ऑब्जेक्ट, तो इमेज भी कहाँ बनती थी हमारी, सी पर ही बनती थी। ऐसे यहाँ पर क्या है, जब 2f1 पर है हमारी ऑब्जेक्ट तो इमेज कहाँ बननी है हमारी, 2f2 पर, ठीक है। और इमेज का जो साइज होगा क्या होगा, सेम साइज होगा एज ऑब्जेक्ट, जैसा जितना ऑब्जेक्ट का साइज है उतना ही इमेज का साइज होगा। दूसरी इमेज क्या है, रियल है, क्यों है रियल, क्योंकि इमेज क्या है, यहाँ पर जो इमेज बन रही है हमारी, जो दो रे इसको मीट कर रही हैं आपस में यहाँ, वो क्या है, एक्चुअल में मीट कर रही है, रियल में मीट कर रही हैं, और इमेज कैसी है हमारी, इन्वर्टेड। और मैंने बता दिया जब भी रियल आएगा उसके साथ हमेशा इमेज कैसी बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट केस, यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट 2f1 और f1 के बीच में है कहीं पर, इन दोनों के बीच में कहीं पर रखा हुआ है, ठीक है, मान लीजिए वो ऑब्जेक्ट है ए बी, सेम वही करना है हमको, एक पैरेलल रे लेनी है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और आफ्टर रिफ्रैक्शन ये एक पास होगी हमारी फोकस से, ठीक है, फोकस से हमने क्या कर दिया, इसको पास कर दिया। एक ले लेते हैं हम जो ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी, ये हमारी ऑप्टिकल सेंटर से पास हुई और यहाँ पर जाकर ये कहीं मिलेंगी, ठीक है, तो ये कहाँ पर मिलेगी, यहाँ पर मिलेगी, ऐसे बी की इमेज यहाँ पर बनेगा बी का जो पॉइंट होगा, तो ये बन जाएगी हमारी इमेज की, ये क्या हो जाएगी हमारी, ऑब्जेक्ट की इमेज, ये हो जाएगा ए डैश, ये हो जाएगा हमारे बी डैश। अब यहाँ देखें तो इमेज कहाँ बन रही है, पोजीशन बताएं अगर इमेज की, पोजीशन वो कहाँ होगी, 2f के बाद, यानी आफ्टर 2f2 उसके बाद बन रही है। अब इमेज की जो साइज है वो क्या है, बड़ा है, तो क्या क्या लिख सकते हैं, इमेज कैसी है, इनलार्ज इमेज है, ये क्या होगी हमारी साइज की बात कर ली हमने यहाँ पे।
अब हम देखें इमेज कैसी है हमारी, रियल है। क्यों? क्योंकि दो रे आपस में क्या है, रियल में मीट कर रही है, तो इमेज कैसी होगी हमारी, रियल। ये क्या हो गया, इमेज का नेचर हो गया। अब रियल है और इमेज कैसी है, उल्टी है, इसलिए कैसी हो गई, ये इन्वर्टेड इमेज हो गई। ठीक है, ये केस देख लिया हमने। अब एक चीज़ और यहाँ पर ध्यान करें, पहले इन्फिनिटी पर था तो फोकस पे बन रही थी, फिर इन्फिनिटी से हम ऑब्जेक्ट को थोड़ा आगे लाए, यानी टू एफ बन के पीछे लाए, तो ऑब्जेक्ट कहाँ हो गया, जो इमेज होगी हमारी वो कहाँ जा रही है, एफ टू से आगे की तरफ बढ़ रही है। फिर जब हम इधर लाएंगे ऑब्जेक्ट को, इस पर लाए हम ऑब्जेक्ट को, ये लिया इस पर, तो फिर कहाँ बन रही है, इस पर, यानी कि यहाँ से इमेज आगे की तरफ शिफ्ट हुई। ठीक है, अब हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पर था, ऑब्जेक्ट को हम इधर की साइड इसको शिफ्ट किया। ठीक है, ये हमने यहाँ शिफ्ट कर दिया टू एफ और एफ वन के बीच में, ये तो इमेज भी देखें अगर हम, तो पहले इमेज यहाँ थी वो भी किधर, इधर साइड शिफ्ट हो गई। तो यानी जैसे जैसे हम इधर की साइड बढ़ते जाएंगे लेंस की तरफ, इमेज भी लेंस से दूर होती जाएगी। ठीक है, अब अगला केस देखते हैं इसमें। अगला केस क्या है, जब हमारी जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पर रखा, हमारा फोकस पे रखा है, एफ वन पे। ठीक है, अब देखते हैं इसकी इमेज कहाँ बनेगी। एक रे ली हमने पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, वो कैसे पास होगी, हमारी फोकस से पास होगी। ठीक है, ये फोकस से पास होगी। दूसरी ले लेते हैं जो ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी तो कैसी जाएगी, विदाउट एनी डेविएशन, ये चली गई हम। अब इन दोनों रे को देखें तो ये क्या है, हमारी पैरेलल रे है, और हम क्या मानते हैं पैरेलल रे कहाँ पर जाके मिलेंगी, एट इन्फिनिटी, क्योंकि इन्फिनिटी पर मिल रही है, तो इमेज जो बनेगी पोजिशन क्या होगी इमेज की, इन्फिनिटी। इमेज कैसी बनेगी देख सकते हैं, अब इन्फिनिटी पे बन रही है तो जाके बहुत ही ज्यादा लार्ज बनेगी, यानी हाईली इनलार्ज। ठीक है, अब इमेज कैसी बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, और इमेज कैसी बनेगी हमारी, रियल बनेगी, क्योंकि रियल बनेगी इसलिए इन्वर्टेड उसके साथ रहेगा। तो ये था हमारा केस जब फोकस पे रही है। अब नेक्स्ट केस देखते हैं, देखो यहाँ पे फोकस पे थी तो इन्फिनिटी पे पहुंच गई। अब ये हमारा अलग केस है, इसको अलग से आप याद कर सकते हैं। यहाँ पर तो मैंने बताया था जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को इधर साइड शिफ्ट कर रहे हैं, इमेज और लेंस से क्या हो रही है, दूर की तरफ शिफ्ट हो रही है। अब यहाँ पर क्या देखेंगे आप, जब यहाँ पर फोकस पे था हमारा ऑब्जेक्ट, अब देखते हैं केस जब फोकस के और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में है हमारा ऑब्जेक्ट, तो ए भी हमारा ऑब्जेक्ट है फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। ठीक है, ठीक है, देखते हैं मना कैसे बनेगी। एक रे ले ली हमने पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये कहाँ से पास होगी, फोकस से पास होगी, चलिए भैया फोकस से पास कर दिया हमने। एक रे ले लेते हैं जो ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी, अरे ये क्या, ये तो दूर की तरफ जा रही है, यानी आगे तो कहीं मिलेंगे नहीं। अब इमेज कैसे बनेगी, इमेज तो बनानी है हमें, तो उसके लिए क्या करें, अगर हम इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करें, पीछे की तरफ इसको एक्सटेंड करें, इसको भी पीछे की तरफ एक्सटेंड करें हम, तो यहाँ पर देखें पीछे हमें कहीं मिलती हुई दिखाई देंगी। ठीक है, अगर यही क्या हो जाएगी हमारी इमेज, क्या हो जाएगी ये इमेज, तो ये क्या हो जाएगा हमारा ए डैश बी डैश, क्योंकि आगे तो मिल नहीं रही, रियल में मिल नहीं रही हमारी, क्या हो रही है हमें, ऐसी दिखाई दे रही जैसे पीछे कहीं, यहाँ पर पीछे से कहीं मिलती हुई आ रही है, या फिर इस पॉइंट से आ रही है, यानी कि इमेज कैसी होगी हमारी, वर्चुअल। और जब भी इमेज वर्चुअल होती है कैसी होती है, इरेक्ट, सीधी होती है, यहाँ भी देख सकते हैं सीधी है। और इमेज की हाइट क्या है, ऑब्जेक्ट की हाइट से बहुत ज़्यादा बड़ी है, इसलिए इमेज कैसी बनेगी, हाईली इनलार्ज। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। और पोजीशन क्या होगी, बियॉन्ड टू एफ वन, इतनी बात समझ में आ गई। तो ये देखे थे हमने किसके कि इमेज फॉर्म हो रही है किससे, कॉन्वेक्स लेंस से। अब हम देखते हैं कि कॉनकेव लेंस से कैसे इमेज फॉर्म होती है। तो ये हमारा कॉनकेव लेंस है, इसमें दो केस है हमारे। पहला केस है हमारा जब ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पर रखा है। ठीक है, ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पर रखा, सीधी सी बात है वहाँ से जो रे आएंगे वो पैरेलल आएंगी, तो हमने रे ले ली पैरेलल, ये पैरेलल रे आई। और किसी भी इमेज को बनाने के लिए हमें मिनिमम टू रे चाहिए, तो हमने दो रे ले ली जो पैरेलल है। अब हमको पता है कैसी दिखाई देंगी, कि फोकस से डाइवर्टेड हो रही हैं। ठीक है, फोकस से क्या हो रही हैं, डाइवर्टेड हो रही हैं। अभी आगे तो कहीं मिलेंगी नहीं जाकर, क्योंकि ऐसे करके डाइवर्ज हो रही, मिलने का तो कोई सवाल है नहीं। ये तो कैसी दिखाई देंगी, जैसे हमारी पीछे लेंस में कहीं मिल रही है, तो वो कहाँ से मिलेंगी, हमारी फोकस पे मिलेंगी, क्योंकि फोकस से हमें डाइवर्ज हुई दिखाई दे रही है। तो इमेज कहाँ बनेगी, पोजीशन क्या होगी इमेज की, फोकस, दैट इज एफ वन। ठीक है, और इमेज कैसी है, बहुत ही पॉइंट साइज है, कैसी है, पॉइंट साइज, या फिर हम कह सकते हैं डिमिनिश्ड,
हाईली डिमिनिश्ड, ठीक है। और इमेज कैसी है हमारी, देख सकते हैं यहाँ पर रियल में तो मीट कर नहीं रही यहाँ पर रे, हमें कैसी दिखाई दे रही है, यहाँ से आ रही हूँ, तो इसलिए इमेज कैसी होगी हमारी, वर्चुअल। और इमेज जब भी वर्चुअल होगी तो कैसी होगी हमारी, इरेक्ट, यानी सीधी इमेज बनेगी। अब नेक्स्ट केस देखते हैं, जब हमारा ऑब्जेक्ट ए बी 2f1 और f1 के बीच में है। तो जब ऑब्जेक्ट 2f1 और f1 के बीच में है, इसकी इमेज कहाँ बनेगी ये देखते हैं। एक रे ले ली हमने पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, वो कैसी दिखाई देगी, जैसे फोकस से डाइवर्ज हो रही है, ठीक है, डाइवर्ज कर लिया हमने। अब एक रे ले लेते हैं हम जो कि ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी, और ये ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी तो सीधी चली जाएगी। तो अब देखें हम, ये यहाँ पर जा रही है और यहाँ पर पीछे क्या है, ऐसे एक्सटेंड करें इसको, तो हम यहाँ पर कहीं मिलती हुई हमें अपीयर होंगी, बट एक्चुअल में मिल नहीं रही है, क्या होंगी, मिलती हुई अपीयर होंगी। तो ऑब्जेक्ट कहाँ बनेगा हमारा, ए डैश बी डैश, जो ऑब्जेक्ट की इमेज है वो बन जाएगी F1 और O के बीच में। तो पोजीशन क्या होगी इमेज की, बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर। और इमेज कैसी है हमारी, इरेक्ट है, और कैसी है, वर्चुअल है, और वर्चुअल के साथ हमेशा इरेक्ट इमेज बनती है। और दूसरा देखें, इमेज की हाइट की बात करें, तो ये ऑब्जेक्ट ए बी हाइट देखें और इसकी हाइट देखें, तो इमेज की हाइट क्या है, इससे छोटी है, तो इमेज कैसी है, स्मॉल और डिमिनिश्ड, ठीक है। तो ये था हमारा कॉनकेव लेंस, सिर्फ इसमें कॉनकेव लेंस में दो ही केस हैं। अब एक चीज़ मैं बता दूं आपको, कॉनकेव मिरर कि जो प्रॉपर्टी होती है, मतलब कि जो उसमें इमेज फॉर्म होती है, वो लगभग सिमिलर कह सकते हैं हम उसको याद करने के लिए, किसके होती हैं, कॉनवेक्स लेंस की तरह। और कॉनवेक्स मिरर की जो इमेज फॉर्म हो रही थी उस, वो जो किसकी तरह है हमारी, कॉनकेव लेंस की तरह। यानी कि अगर हम कॉनकेव मिरर की एक बार याद कर लें हम प्रॉपर्टी, तो उसको हम कॉनवेक्स लेंस में देख सकते हैं, उसको रिजेंबल करके हम याद कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था, इसमें केवल दो ही केस हैं, और हमेशा ये देख सकते हैं कॉनकेव लेंस में, कॉनकेव लेंस में इमेज कैसी बन रही है, हमेशा वर्चुअल इमेज बन रही है, और कैसी बन रही है, इरेक्ट बन रही है, ठीक है। तो ये था हमारा कॉनकेव लेंस, ये हमने देख लिया लेंसेज से कैसे बन रही है हमारी इमेज, ठीक है। अब देखते हैं हम लेंस फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन। जैसे कि हमारा स्फेरिकल मिरर्स में लेंस फार्मूला होता था, ऐसे यहाँ पर भी क्या है, लेंस फार्मूला है, जो कि रिलेशन बताता है हमारा ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ के बीच में। मान लेते हैं हम ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, उसको हम यू से डिनोट करते हैं, इमेज की डिस्टेंस उसको हम वी से डिनोट कर रहे हैं, और फोकल लेंथ उसको हम एफ से डिनोट कर रहे हैं। तो फॉर्मूला होता है हमारा लेंस फार्मूला, 1/v - 1/u = 1/f। ये फार्मूला बहुत ही यूज होता है हमारा न्यूमेरिकल्स में, तो इसको ध्यान से रखें। इन मिरर फार्मूला में और लेंस फार्मूला में क्या डिफरेंस है, यहाँ पर क्या आ जाता है हमारा, माइनस का सिंबल आ जाता है, ठीक है। एक चीज़ और बताना है मुझे, अगर इसकी फोकस की बात करें हम कॉनकेव लेंस की, तो इसका फोकस इधर साइड है, और साइन कन्वेक्शन मैंने बताया जो इधर साइड हम डिस्टेंस मेजर करते हैं कैसी होती है हमारी, नेगेटिव होती है। तो कॉनकेव के केस में क्या होगा, फोकस कैसा होगा हमारा, फोकल लेंथ वो कैसी हमारी, नेगेटिव होगी, ठीक है। वही अगर हम कॉनकेव देखें, तो ये फोकस है हमारा, ये वाला, क्योंकि यहीं पे आगे मिल रही है हमारी रे, तो ये डिस्टेंस क्या है हमारी, एफ है, और किधर मेजर कर रहे हैं हम, इधर साइड में मेजर कर रहे हैं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो इसको कैसे मेजर करेंगे हम, पॉजिटिव, यानी जो इसकी फोकल लेंथ होगी वो कैसी होगी हमारी, पॉजिटिव फोकल लेंथ होगी, ये बात ध्यान रखेंगे। और ये फॉर्मूला हो जाएगा हमारा लेंस फॉर्मूला, इसको हम न्यूमेरिकल में यूज करेंगे, इसको याद कर सकते। नेक्स्ट देखते हैं मैग्नीफिकेशन। अब मैग्नीफिकेशन क्या है, मैग्नीफिकेशन रिलेशन बताता है इमेज की हाइट के बीच में और ऑब्जेक्ट की हाइट के बीच में, यानी कुछ ऑब्जेक्ट की हाइट एच है, मान लेते हैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एच, और इमेज की हाइट है एच डैश, ठीक है। तो मैग्नीफिकेशन होता है हमारा हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ एच, यानी इन दोनों का रेशियो होता है हमारा मैग्नीफिकेशन। अब एक चीज देखें, यहाँ पर तीन केस बन सकते हैं इसमें, मैग्नीफिकेशन जब वन से छोटा हो, ठीक है, मैग्नीफिकेशन या फिर वन के बराबर हो, मैग्नीफिकेशन या फिर वन से बड़ा हो, ठीक है। मैग्निफिकेशन वन से छोटा कब होगा, जब एच डैश हमारा छोटा होगा एच से, यानी कि अगर मैग्निफिकेशन वन से छोटा रहा, इसका मतलब क्या है, इमेज कैसी बन रही है हमारी, स्मॉल इमेज बन रही है, सीधी सी बात है। अब एच डैश हमारा 0.5 होगा,
सॉरी मैम, उसको हम मान लेते हैं 2 होगा और h है हमारा 4। अगर इसको हम डिवाइड करें तो कितना आएगा, 0.5, यानी कि 1 से छोटा तभी आ रहा क्योंकि h की जो यहाँ पर हाइट है वो छोटी है ऑब्जेक्ट से, यानी कि स्मॉल बनेगी। अब जब m बराबर 1 है, 1 कब होगा, जब h डैश h के बराबर हो जाएगा, यानी जो ऑब्जेक्ट की और इमेज की जो हाइट होगी कैसी होगी, हमारी सेम हाइट होगी, ठीक है। तीसरा केस है हमारा जब मैग्निफिकेशन 1 से बड़ा होगा। 1 से बड़ा कब होगा मैग्निफिकेशन, जब एच डैश हमारा बड़ा होगा एच से, एच डैश बड़ा होगा एच से। एच डैश ले लेते हैं हम 4 और एच ले लेते हैं हम 2, तो कितना है 2, यानी 1 से बड़ा आ रहा है। कब आ रहा है, जब एच डैश हमारा बड़ा है, तो एच डैश बड़ा है इसका मतलब क्या, इमेज की हाइट क्या होगी, लार्ज होगी कंपेयर टू ऑब्जेक्ट, तो ये हमारा मैग्निफिकेशन। अब नेक्स्ट देते हैं पावर ऑफ लेंस। अब पावर ऑफ लेंस क्या होता है, देखिए हम किसी भी लेंस की बात कर रहे हैं कि वो लेंस डाइवर्ज कर रहा है लाइट को यूं करके, सॉरी कन्वर्ज कर रहा है लाइट को यूं, या फिर डाइवर्ज कर रहा है लाइट को, तो ये क्या है, किसी भी लेंस की पावर होगी कुछ ना कुछ डाइवर्ज करने की, कन्वर्ज करने की। और जो लेंस की पावर है वो हमारी डिपेंड करती है फोकल लेंथ पे। कैसे फोकल लेंथ पे डिपेंड करती है, मान लीजिए हम कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रहे हैं, एक ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस जिसका फोकस है यहाँ पर, ठीक है। दूसरा हम ले रहे हैं कॉन्वेक्स लेंस जिसका फोकस है यहाँ पर, ये ऑप्टिकल सेंटर ने दोनों के, इसकी एफ है हमारी एफ टू और इसका जो एफ फोकल लेंथ है वो हमारा एफ वन। अगर हम यहाँ देखें जो लाइट आएंगी पैरेलल, वो क्या होंगी, हमारी यहाँ पर जाके मीट होंगी, कन्वर्ज होंगी। अगर हम इसके केस में देखें तो यहाँ पर जो लाइट आएगी वो यहाँ पर मिल जाएंगी। अब देखें इस वाली केस में जो लाइट मीट कर रही है वो लेंस के बहुत पास में मीट कर रही है, और इसमें देखें तो लेंस के इसके कंपेरिजन में दूर मीट कर रही है लाइट, यानी कि लाइट को क्या कर रहे हैं वो दोनों, कन्वर्ज कर रहे हैं लेंस दोनों, लेकिन दोनों की अलग अलग पावर है। क्यों, एक लाइट को कन्वर्ज कर रहा है यहाँ पर इतनी दूर और एक लाइट को कन्वर्ज कर रहा है इतनी दूर, यानी कि फोकल लेंथ जितनी ज़्यादा छोटी होगी, यानी फोकल लेंथ जितनी ज़्यादा छोटी होगी उसका जो कन्वर्जिंग पावर होगी वो उतनी ज़्यादा होगी। अब देखिए छोटी फोकल लेंथ थी इसके कंपेरिजन में, तो यहीं कन्वर्ज कर लिया उसने, यानी कन्वर्जिंग पावर हाई है, और इससे भी ज़्यादा अगर हम छोटी फोकल लेंथ ले लें तो जहाँ पर फोकस होगा वहीं कन्वर्ज कर देगी, यानी कन्वर्जिंग पावर और ज़्यादा हाई होगी। यानी कि फोकस जितना छोटा होगा कन्वर्जिंग पावर उतनी ही ज़्यादा होगी। अगर हम इसकी फोकल लेंथ और बड़ी ले लेते हैं, अगर यहाँ पर ये देखें, अगर हम मान लीजिए यहाँ पर फोकस, अब देखिए कहाँ रे मिलेंगी जाके, यहाँ पर कहीं मिलेंगी, यानी कि फोकस हमने क्या किया, इंक्रीज किया, तो हमारी जो कन्वर्जिंग पावर थी वो डाउन होगी। यानी कि हम क्या करें, जो पावर है कहीं ना कहीं हमारी फोकल लेंथ पर डिपेंड कर रही है। अब कैसे डिपेंड कर रही है, फोकल लेंथ बढ़ रही है तो पावर हमारी घट रही है, या फिर अगर हम फोकल लेंथ को घटा रहे हैं तो पावर हमारी बढ़ रही है, यानी कि कहीं ना कहीं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है पावर के। ये तो हमारा कॉन्वेक्स के। अब अगर हम कॉनकेव लेंस की बात करें, इसमें भी देख लेते हैं, एक ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस जिसका फोकस है ये, दूसरा है हमारा ये जिसका है फोकस ये, इससे दूर है हमारी, इसकी ये फोकल लेंथ और इसकी ये है एफ टू फोकल लेंथ। अगर यहाँ से हम पैरेलल देखें ऐसे डाइवर्ज होगी हमारी, अगर हम यहां पर देखें इस केस में देखें, इसको मैं थोड़ा सा और बनाता हूँ, इस केस में देखें सही से बना देता हूँ, तो इसमें क्या हो रही है, डाइवर्ज हो रही है लाइट हमारी, इस केस में भी डाइवर्ज हो रही है, बट इस केस में देखें तो डाइवर्ट हमारी ज्यादा होंगी। अगर सही से बनाए इसको हम, तो ये जो इसका माउथ होगा खुला हुआ ज्यादा होगा, बट इस केस में देखें इस माउथ क्या होगा, कम खुला हुआ होगा, यानी कि जो डाइवर्जेंट पावर है वो इस लेंस की ज़्यादा, मतलब ज़्यादा डाइवर्ट कर रही है आपस में यूं करके, और इस केस में क्या है, लेंस की जो पावर है डाइवर्जेंट डाइवर्ज करने की लाइट को वो इस तरह से है, और इस केस में क्या है, डाइवर्ट करने की इस तरह से, तो इसमें डाइवर्जिंग पावर ज़्यादा है और इसमें क्या है, फोकस कम है, यानी कि सेम बात वही होगी, अगर फोकस कम होगा तो डाइवर्जेंट पावर क्या होगी, ज़्यादा होगी, अगर फोकस ज़्यादा होगा तो डाइवर्जेंस क्या होगा हमारा, कम होगा। यानी कि हम कह सकते हैं पावर ऑफ लेंस इज इक्वल टू 1/f, क्योंकि पावर क्या है हमारी, फोकस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर हम फोकस को बढ़ा रहे हैं तो सीधी सी बात है 1/f क्या होगा, कम होगा, यानी पावर कम होगी। अगर हम फोकस को कम कर रहे हैं, कम कर देंगे मतलब 1/f ज़्यादा होगा, तो पावर क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो ये थी हमारी पावर ऑफ लेंस। अगर इसकी हम यूनिट की बात करें तो पावर ऑफ लेंस को हम मापते हैं डायोप्टर में, जिसके सिंबल है हमारा डी। तो ये था हमारा पावर ऑफ लेंस। एक चीज़ और बताता हूँ, अभी मैंने बताया कि पावर क्या होती है, 1/f होती है, और कॉन्वेक्स लेंस के केस में जो फोकल लेंथ होती है हमारी पॉजिटिव होती है, तो यानी कि कॉन्वेक्स लेंस में
पावर देखें हम तो 1 अपॉन एफ हो जाएगी, और एफ क्या है यहाँ पर पॉजिटिव है, तो इसलिए पावर भी क्या होगी, पॉजिटिव पावर। अगर हम वहीं हम कॉनकेव लेंस की बात करें तो कॉनकेव लेंस में ये होती है हमारी फोकल लेंथ यानी नेगेटिव साइड होती है, तो इसमें अगर हम पावर देंगे तो क्या हो जाएगी, 1 अपॉन एफ कॉनकेव लेंस, पावर क्या होगी हमारी 1 अपॉन एफ, और एफ क्या हमारा नेगेटिव यानी कि माइनस एफ, तो पावर भी क्या हो जाएगी हमारी माइनस एफ, यानी कि पावर कैसी होती है, नेगेटिव पावर। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो में आपको सब चीज़ समझ में आई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और आने वाली फिजिक्स की अगली वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।